का जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है। मेरे साथ में बहुत ही टैलेंटेड भरतनाट्यम की नृत्यांगना, इसके साथ में योग सिखाती हैं और जुम्बा की ट्रेनर हैं मनी राव। अभी आजकल हालांकि बर्थ प्लेस रायपुर ही है, लेकिन अभी मुंबई बेंगलोर में आप अपना कार्य क्षेत्र बना रखी हैं, वहाँ पे स्कूल में आप ट्रेनिंग देती हैं। मनी, आप इस क्षेत्र में कैसे आए? जी, सबसे पहले नमस्ते। मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ, मैंने पढ़ाई यहीं से की है और फिर मैंने ग्रेजुएशन की। जब मैं 10th क्लास में थी तब मैंने अपना डांसिंग स्कूल स्टार्ट किया। बचपन से ही मुझे डांसिंग का बहुत शौक था और बचपन से ही मैं भरतनाट्यम सीख रही हूँ। मेरी गुरु सुगना राव जी हैं, अभी वो नहीं रहीं। और नैन करते करते मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम अपना क्लास खोल सकती हो, तो समर वेकेशन में मैंने अपना क्लास स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा मेरा क्लासेस चलने लगे। और धीरे धीरे मैं जब कॉलेज में पहुंची, मुझे ऐसा लगा कैसे भी मैं फीस तो ले ही रही हूँ, बट ऐसा बहुत सारे टैलेंट हैं जो बहुत अच्छे हैं बट वो पैसे के अभाव से वो पीछे रह जाते हैं। मैंने एक सोसाइटी स्टार्ट की जिसका नाम है नटराज नाट्य नृत्य एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर को लेके हमने काम स्टार्ट किया और ऐसे बच्चों को जो टैलेंटेड हैं बट पैसे के अभाव में पीछे रह जाते हैं, हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो मुझे ये काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हम ऐसे बच्चों को स्लम से जाके और दूसरे जहाँ क्षेत्रों में जो पैसे नहीं दे सकते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से उनको डांस सिखाते हैं और वो मेरे ही साथ परफॉर्म करते हैं जितने भी गवर्नमेंट के जो भी आपको इवेंट्स मिलते हैं, जो भी काम मिलते हैं, तो उनको एक रोजगार का साधन भी आ देते हैं। तो आपके जो बच्चों को जो सिखाया है, आपने कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर भी पहुंचे हैं कोई बच्चे? जी, हमने चक्रधर समारोह जो छत्तीसगढ़ का बहुत ही, हमने 3-4 बार वहाँ परफॉर्म किया, हमने जगार में परफॉर्म किया, राजिम में, हर साल मैं खुद भी करती हूँ और उनसे भी करवाती हूँ। तो सिखाने के बाद हमको जो भी गवर्नमेंट से सहयोग मिलता है तो उनके पढ़ाई के लिए और उनके जो भी उनको काम आए और उनको जॉब दिलाने तक हम पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। कितने बच्चों का अभी तक मनी राव ने इस तरीके की ट्रेनिंग दी है? अगर ऐसा पूछा जाए तो मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं गिन तो नहीं सकती। और मैंने मतलब ना केवल सिर्फ आपको प्रशिक्षण डांस में देना, अगर वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो मैंने 3 बच्चों को ऐसा लिया हुआ है जिनका मैं पूरा, हाँ जी तो पूरा मैं पढ़ाई का खर्चा मैं उठाती हूँ। वैसे मनी, कितनी एजुकेशन है आपकी? जी, मेरा BSc कंप्यूटर से ग्रेजुएशन और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सोशल वेलफेयर में MSW। तो अभी मनी, अभी कौन से स्कूल में इसके अलावा, ये तो आप NGO की तरफ से एक समाज सेवा करते हो, बाकी जीवन यापन के लिए और क्या करते हो आप? जी, जीवन यापन के लिए तो देखिए, सबसे पहली बात, मैं जिस घर से हूँ मुझे इतनी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी और सभी अच्छा ही रहा मेरा लाइफ में। बट मैंने जैसे हम अर्न करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम अर्न कर रहे हैं उसके बाद सब छोड़ दिया जाए। अभी जैसे मैं बैंगलोर में हूँ, वहाँ जाने के बाद मैंने क्लासिकल डांस सिखाना छोड़ा नहीं था, स्कूल में मैं काम कर रही थी और फिर मुझे लगा कि जुम्बा एक अच्छा नृत्य है जो एक डांस है, फिटनेस के साथ है। मैं जिम में जब वर्कआउट करने जाती थी तो मैंने देखा जुम्बा हो रहा है, मैं गई वहाँ पे तो मेरे ट्रेनर ने कहा तुम्हारे स्टेप्स में कहीं ना कहीं क्लासिकल डांस आता है। तो मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा आएगा ही, मैं बचपन से हूँ। कैसे भी उसे चैलेंज की तरह लेते हुए मैंने 2 सर्टिफिकेशन किए जुम्बा में और आज मैं 3 मल्टीनेशनल कंपनीज में और बहुत अच्छे जिम्स में काम करती हूँ एज अ ट्रेनर। और एक निमांस हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर्स को, बड़े डॉक्टर्स को और उनके बच्चों को मैं ट्रेन करती हूँ। धीरे से मैंने योग में मेरे जो मास्टर हैं पुनीत सर, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं सोचती थी मुझे सब कुछ आता है और मैं बहुत अच्छे जगह पे हूँ, बट योग करते हुए मुझे समझ में आया ये सिर्फ आपके बॉडी के लिए ही नहीं, पीस ऑफ माइंड और आपके विचारों का, जिस हम इंडियन, देखिए जुम्बा वैसे वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है और अच्छा है, वो भी आपकी फिटनेस से बहुत, इससे बहुत आपके फिटनेस पर प्रभाव पड़ता है। बट जहाँ तक, जब
बात आती है योगा की, आप जब इसे करते हैं ये हमारे भारत से है, आप इसे ना केवल अपने बॉडी से, अपने विचारों से, और आप अपने बहुत सारी चीज़ों को आप इससे जोड़ के इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि सभी को योगा करना चाहिए, और इसी से ही मैं अपनी क्लास ले रही हूँ। और मेरा योग जी अभी जुम्बा और योग दोनों एक फैशन हो गए हैं जी जी जी। लेकिन मेरे को लगता है कि जितने लोग करना चाहिए उतने लोग करते नहीं हैं जी जी जी। क्या लगता है आपको? जुम्बा तो कर ही रहे हैं मैं जहाँ तक देख रही हूँ, क्योंकि वो म्यूज़िकल है और लैटिन म्यूज़िक पे डिपेंड करता है वो, और मतलब लैटिन म्यूज़िक पे वो होता है, तो वो बिल्कुल करना ही चाहिए। बट आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप जुम्बा जब करते हैं तो वेट लॉस करते ही हैं, और उसके साथ जब वेट लॉस होता है तो आपके मसल्स भी लूज होते हैं। तो जब आप जुम्बा करते हैं तो यू शुड डू वर्कआउट ऑल्सो, वेट ट्रेनिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू विल गेन द मसल्स। आप जब मसल लूज कर देंगे तो आपकी बॉडी वीक होने लग जाएगी, कैसे भी आप वो वेट तो लॉस कर ही रहे हैं। बट हम जब योगा करते हैं तो ना केवल हम उसमें आसन करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं। योगा बहुत वास्ट है, उसमें थ्योरी है, हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो मैंने सीखा पहले मैं भरतनाट्यम में किया करती थी मंत्रों का उच्चारण, जो हमारी इंडियन सभ्यता, जैसे अब कई आजकल जी कई बच्चे ऐसे हैं जो आजकल वो ये नहीं जानते हैं कि मंत्र क्या होते हैं। आप अगर गायत्री मंत्र पूछेंगे तो वो बोलेंगे ठीक है हमने प्रणाम कर लिया हो गया दैट इज़ इनफ। तो आप ये क्या होता है, हमारी कल्चर जा रही है, मैं ये नहीं बोलती हूँ आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना रॉन्ग है, सो व्हेन वी आर फॉरगेटिंग अवर कल्चर दैट इज़ रॉन्ग। मैं जुम्बा भी सिखाती हूँ, वो तो पूरा मॉड है, हम वैसे ही पहनते हैं और वैसे ही सिखाते हैं, बट जब हम योगा सिखाते हैं तब वो एक बेसिक हमारा हर चीज़ों को, कैसे आप गुरु के साथ रहें, कैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहें, ये जब चीज़ें मैंने अपने गुरु से सीखी तो मुझे ऐसा लगा कि योगा हर किसी को करना चाहिए, जिससे हमारी कल्चर जो जा रही है, जो सभ्यता जा रही है, वो वापस आएगी। तो जी जी बहुत अच्छा है कि आपने कहा कि हमारी जो संस्कृति है उस पर अगर ध्यान रखेंगे जी, और मुझे लगता है कि मने ये साइंटिफिकली है कि हमारा जो दर्शन है भारतीय दर्शन और योग भी वो पूर्णतः वैज्ञानिक सत्य पे आधारित है, उनसे बेहतर हो नहीं सकता। और क्या कहेंगे पब्लिक को, अगर आपको कुछ कहना हो लोगों से तो क्या अपील करेंगे आप? जी आप, मैं ये चाहती हूँ कि डांस या योगा या जुम्बा आप जब करते हैं तो सबसे पहले आहार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आपकी डाइट अच्छी होगी, अभी मैडम बैठी हुई हैं हमारे साथ, आप वो मिस जी जी, तो अब ये सबसे पहले लोग सोचते हैं कि हम तुरंत जिम में चले जाएं, योगा कर लें या जुम्बा कर लें और उससे हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपका आहार सही होना चाहिए, तो जो आप फूड इनटेक करते हैं उसमें प्रोटीन, न्यूट्रिशन सब होना चाहिए, जिससे आप आगे कुछ कर पाएंगे। अगर बॉडी में आपकी एनर्जी है आप तभी कोई भी चीज़ को प्रोसीड कर पाएंगे, चाहे योगा हो, जुम्बा हो, या वेट ट्रेनिंग हो, या डांस हो। तो मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे हैं और आप स्वस्थ हैं तभी आप किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। और जी बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद अच्छे मन से स्वस्थ रहेंगे, दिल से स्वस्थ रहेंगे, जी, तो जी, मन मस्तिष्क से स्वस्थ रहेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जी, 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया। ये थी मनी राव, आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने किस तरीके से जुम्बा और योग के साथ में आप अपने साथ में स्वस्थ बने रह सकते हैं। इसी के साथ में जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।